क्या आपने सांबत में रहकर अभी तक टिम हॉर्टन की कॉफी ट्राई की है? मैंने तो इसकी कॉफी की बहुत सारी तारीफें सुनी हुई थी, पर मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल इस कॉफी को लेकर टिक टिक कर रहे थे कि न जाने कॉफी का टेस्ट कैसा होगा और ये प्राइस में कितने की होगी। मेरी एक्साइटमेंट का लेवल इतना हाई था कि मुझसे सबर ना हुआ और मैं आ गई टिम हॉर्टन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे और मजे में होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिम हॉर्टन बेसिकली कैनेडियन कॉफी है, ये यूरोप में बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस कॉफी को लेकर सभी लोग बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं। रश देखकर आपको तो अंदाजा हो गया होगा कि ये कॉफी किस कदर फेमस है। यहाँ आकर रश देख के आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रश इसी तरह ही होता है। ये है इनकी कॉफी का मेन्यू कार्ड। इनके पास हॉट एंड कोल्ड कॉफीज में बहुत सारा वैरायटी थी। कॉफीज की वैरायटी इतनी सारी थी कि हम काफी देर सोचते रहे कि कौन सी न्यू कॉफी हमें ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको कॉफी नहीं पसंद तो इनके पास शेक्स की भी काफी वैरायटी थी। यहाँ पे खाने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ बेकरी आइटम्स लाइक डोनट एंड पेस्ट्री वगैरह। यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया लाटे एंड कैरामल कॉफी। मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं किसी भी किस्म की कोई न्यू कॉफी ट्राई नहीं करना चाह रही थी, ये ना हो कि मैं कोई नई कॉफी ट्राई करूँ और मेरे मुंह का टेस्ट ना जरा खराब हो जाए। यहाँ आके आपको बहुत ही सब्र से काम लेना होगा। यहाँ पे ऑर्डर करने में भी बहुत टाइम लग जाता है और ऑर्डर को रिसीव करने में भी काफी टाइम लग जाता है। फिर जल्दी जल्दी से हमने अपनी कॉफी पिक की और हम आगे हैं अपनी सीट पर। इनका एम्बियंस बहुत ही ज्यादा कूजी था और आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इजी रहते हैं। ऑर्डर करते वक्त यहाँ पर आपने एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जब भी यहाँ पे कॉफी ऑर्डर करो तो आप या तो रेगुलर कप करो या फिर लार्ज करो। मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था स्मॉल कप, क्योंकि ग्लोरिया जींस में जो स्मॉल कप होता है उसका साइज थोड़ा सा बेहतर होता है, मगर इनका स्मॉल कप का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा था। पर शुक्र है कि हमने दो कप जो है वो रेगुलर किए थे और एक मैंने स्मॉल किया था। कॉफी को लेकर हमारी आपस में लड़ाई भी हो गई थी। मेरा प्लान चेंज हो गया कि मुझे अब स्मॉल कप नहीं पीना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। मुझे दिल बड़ा करके अपनी कॉफी पीनी ही पड़ी, क्योंकि आपको पता है दोस्तों में जब बैठे हो तो आपको वही चीज लेनी पड़ती है जो कि आपने एक्चुअली में ऑर्डर किया होता है। इनके साथ मैंने काफी सारी बहस की कि किसी तरह से मुझे बड़ा कप मिल जाए, मगर इन्होंने मेरी कोई बात ना मानी। मुझे दिल बड़ा करके अपनी ही कॉफी पीनी पड़ी। हमने यहाँ पे ऑर्डर की थी दो कैरामल कॉफी और एक लाटे कॉफी। कैरामल कॉफी का रेगुलर कप आपको यहाँ पे मिलेगा 650 रुपीस का और लाटे का स्मॉल कप मैंने लिया था 500 रुपीस का। डेजर्ट्स वगैरह काफी एक्सपेंसिव थे। ये डोनट हमें मिला था 350 रुपीस का। आप नॉर्मल मार्केट से लेते हैं तो ये 130 या 140 या ज्यादा से ज्यादा 50 रुपीस का आपको मिल जाता है, मगर इनके डोनट्स वगैरह काफी एक्सपेंसिव थे। अगर इनकी कॉफी के टेस्ट की बात की जाए तो इनकी कॉफी का टेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली ग्लोरिया जींस की कॉफी से ज्यादा अच्छा है। इनकी कॉफी में ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही ज्यादा बैलेंस था। और अगर इनके डोनट्स की बात की जाए तो ये टोटली नॉर्मल से डोनट्स है जो कि आपको तहजीब से इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे आए तो सिर्फ कॉफी आई थिंक टेस्ट करनी चाहिए। ये डोनट्स वगैरह तो आई थिंक सो के कुछ खास नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल आम बेकरी जैसे थे, कुछ इसमें स्पेशल नहीं था। तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आपको टिम हॉर्टन की कॉफी कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई की तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक दफा इनकी कॉफी जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को इनकी कॉफी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, तो मैं करती हूँ यहाँ पे अपने व्लॉग के एंड। तो मिलते हैं किसी नए कंटेंट और नए वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक वीडियो को लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज।